भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते यू नाम है हमारा सचिन चौधरी। सागर जिला के सुर्खी में एक बार फिर से सियासत जोर पकड़ गई है। दरअसल सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के रैपुरा गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कसूर लोगन के मकान बने थे और ई के बाद वन विभाग की टीम ने इनको अतिक्रमण बता के तोड़ दो है। और ई के बाद अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंच रहे हैं सुर्खी के रैपुरा गांव में और उनको कहबो है कि अनुसूचित जाति के लोगन के मकान जानबूझ के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के इशारे पर तोड़े गए हैं। काहे के वे गोविंद सिंह राजपूत को साथ नहीं दे, और यही वजह से दिग्विजय सिंह खुद पहुँच रहे हैं और उत उन सब लोगों से बातचीत करें जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं। उतें ही पूरे मसले पे मंत्री गोविंद राजपूत को बयान सामने आओ है। उनको कहबो है कि उनको तो ये मामले की कोनू जानकारी तक नहीं आ। वन विभाग की टीम ने वन भूमि में अतिक्रमण के नाम पे ये मकान तोड़े हैं और अब इन सब लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नए पट्टे देवे की प्रक्रिया शुरू कराई जे है। उतही वन विभाग ने भी ये पूरे मामले पे अपना बयान जारी करे है और कही है कि वन भूमि में अतिक्रमण के चलते इन मकानों को बाकायदा नोटिस दे गए थे पिछले एक साल से, जब पूरी प्रक्रिया चल रही थी और अब इन मकानों को तोड़े गए है। कल ग्राम रैपुरा में वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में वन भूमि पर अवैध रूप से काबिज लोगों के अतिक्रमण हटाए गए। हम लोग विगत एक वर्ष से इनको हटाने की प्रक्रिया में थे। इन लोगों के खिलाफ बाकायदा भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत PUR दर्ज किया गया था और उसके उपरांत धारा 80 का नोटिस जारी किया गया था एवं उसके उपरांत अंतिम बेदखली आदेश भी पारित किया गया था। और उसके बाद हम लोगों ने इनको कई बार नोटिस दिया और समझाइश भी दी गई और इन लोगों को पर्याप्त समय दिया गया कि आप लोग अपना स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लीजिए। बट जब इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, उसके उपरांत हम लोग इस मुद्दे को जिला स्तरीय टास्क फोर्स की मीटिंग में ले गए और उस मीटिंग में आम सहमति के बाद में कल जिला प्रशासन के सहयोग से वन विभाग के द्वारा और पुलिस की उपस्थिति में इस अतिक्रमण को हटाया गया। अभी मसले पर सच्चाई का है जो तो जांच में ही पता चले, लेकिन फिलहाल सुर्खी में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को घेरवे को कोनू मुद्दा नहीं छोड़ रही है कांग्रेस पार्टी। और यही वजह से जैसे ही जा खबर सामने आई तो तत्काल दिग्विजय सिंह रवाना हो गए हैं सुर्खी के लाने। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।